बोले विष्णु भगवान जी की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करें कार्तिक महात्म कथा अध्याय 18। आज का दिन है रविवार 3 नवंबर 2024। रविवार दिन पड़ने के कारण मैं आप सभी को पहले रविवार सूर्य नारायण की कथा सुनाऊंगी, फिर सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा मैया की कथा, फिर अंत में हम रसपान करेंगे कार्तिक महात्म कथा अध्याय 18 का। आइए रसपान करते हैं सूर्य नारायण की व्रत कथा। अटपट नगरी का एक गरीब ब्राह्मण लकड़ियों और घास के लिए हर रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने वहाँ वन देवियों को सूरज भगवान की पूजा करते हुए देखा। सूर्य नारायण के आह्वान का उनका अनुष्ठान अनूठा था। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सूर्य नारायण का अनुष्ठान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी इसकी विधि बताइए। तब वन देवियों ने कहा, नहीं, यह बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। यदि हम तुम्हें सिखा देंगे तो संभवतः तुम अहंकारी हो जाओगे और इसे विधि पूर्वक न करोगे। ब्राह्मण ने वचन दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं विनम्रता पूर्वक संपूर्ण विधि का भली भांति पालन करूंगा। तब वन देवियों ने कहा, उसे अनुष्ठान की विधि समझाई कि रविवार को चंदन सार से सूर्य नारायण का चित्र बनाकर उसे पुष्प और फल अर्पित करे। उसके बाद 6 महीने तक हर रविवार को वह ऐसा ही करे। फिर उसके अगले 6 महीने गरीबों को दान करे। ब्राह्मण घर गया और रविवार से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसके अनुष्ठान से सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। धन धान्य से ब्राह्मण का घर भर गया। उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन रानी ने उसे बुलवाया। राजमहल में जाते समय भय से उसकी टांगे कांप रही थी। रानी ने उसे बैठने को आसन दिया और सहृदयता से कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं आप अपनी बेटियां हमें दे दें। ब्राह्मण सिसकते हुए कहा, मेरी बेटियां बहुत तंगी में बड़ी हुई है। राजवंश में उनके साथ चाकरों के समान आप व्यवहार करेंगे। रानी ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता ना करें, उनके साथ राजसी व्यवहार किया जाएगा। एक का राजा से विवाह होगा और दूसरी का मंत्री से होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही विवाह हो गए और ब्राह्मण की बिटिया ससुराल चली गई। पूरे 12 बरस ब्राह्मण उनसे मिलने नहीं आया। वह अपने काम और काज में और अनुष्ठान में व्यस्त रहता था। तथा 12 बरस बाद उसने बेटियों से मिलने की सोची। पहले वह बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी राजा से ब्याही थी। बेटी ने पिता को रत्नजड़ चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से उनके हाथ पैर धुलवाए और मिठाई परोसी। ब्राह्मण ने कहा, जलपान से पहले तुम मेरी कथा सुनोगी? पर बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज मुझे अवकाश नहीं। महाराज अखेट के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, मुझे उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। ब्राह्मण को उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट लगा। वह क्रोध होकर वहाँ से चल पड़ा। ब्राह्मण वहाँ से छोटी बेटी के पास गया, जो कि मंत्री से ब्याही गई थी। बेटी पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटी ने उसे नक्काशीदार चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से हाथ पाँव धुलवाए और उनके खाने के लिए मिठाई लेकर आई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जलपान से पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी? बेटी ने कहा, हाँ अवश्य बाबा, कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर वह घर के भीतर जाकर 6 मोती लेकर आई। 3 मोती पिता के हाथ पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। यह कथा ब्राह्मण ने आग से पहले किसी को नहीं सुनाई थी। उसने बेटी को बताया कि
कैसे वह वन देवियों से मिला और कैसे उन्होंने उसे सूर्य नारायण का अनुष्ठान पूजन विधि बताया। बेटी ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। फिर ब्राह्मण ने मुदित मन से जलपान ग्रहण किया और घर लौट आया। पंडिताइन ने बेटी की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि बड़ी वाली मेरी बेटी ने मेरी कथा नहीं सुनी, उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। उसका पति सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने गया था और वापस नहीं लौटा, पर दूसरी बेटी ने उसकी कथा सुनी थी, सो वह सुखी थी। उसकी स्मृति दिनों दिन बढ़ती गई। दुर्भाग्य से बड़ी बेटी का पिंड नहीं छोड़ा, उसके लिए एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, घर में कुछ नहीं है, अपनी मौसी के पास जाओ और कोई उपहार लेकर आओ, वह जो दे घर ले आना। अगले रविवार को राजकुमार मौसी के घर गया। वहाँ वह तालाब पर गया और स्नान करने आई औरतों से पूछा, तुम किसके यहाँ काम करती हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। राजकुमार ने कहा, अपनी मालकिन से जाकर कहो कि उनकी बहन का बेटा आया है। ये भी कह देना कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उसे पिछले दरवाजे से महल के भीतर आने दे। दासियां उसे पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। मौसी ने उसके नहाने के लिए सुवासित जल रखवाया, पहनने को नए कपड़े दिए और राजसी भोज करवाया। उसने बेटे को मोहरों से भरा हुआ कद्दू दिया। वह चलने लगा तो मौसी ने कहा, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। पर रास्ते में सूर्य भगवान ने माली के भेष धारण करके मोहर से भरा हुआ कद्दू चुरा लिया। वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया, मौसी ने जो दिया वह रास्ते में खो गया। अगले रविवार को रानी ने दूसरे बेटे को भेजा, वह भी शहर के तालाब पर गया और नहाने धोने आई औरतों से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? औरतों ने कहा, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं, अपनी मालकिन से कहो कि उसकी बहन का बेटा आया है, उसे भी पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद राजकुमार ने भोजन किया। वह चलने लगा तो मौसी ने उसे मोहर से भरी हुई खोखली छड़ी दी और बोली, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। रास्ते में सूरज भगवान ग्वाले का रूप धरकर आए और उसकी छड़ी चुरा लिए। वह घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा, ये मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाकर कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। तीसरे रविवार को रानी ने तीसरे बेटे को भेजा, वह भी सीधे तालाब पर गया। मौसी ने उसकी भी वैसे ही खातिरदारी की, उसे नहलवाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। चलते समय उसने उसे मोहर से भरा हुआ खोखला नारियल दिया और कहा, इसे संभाल कर ले जाना, खोना मत। रास्ते में राजकुमार कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुका। जैसे ही उसने नारियल जगत पर रखा, वह लुढ़क कर कुएं में गिर गया, छपाक। वह घर पहुंचा तो रानी माँ ने पूछा कि वह क्या लाया है? राजकुमार ने जवाब दिया, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। चौथा राजकुमार गया, तभी वही हुआ। उसे मोहर से भरा हुआ कुलहर मिला, जिसे सूर्य नारायण चील बनकर झपट ले गए। पांचवें रविवार को रानी खुद गई और जाकर तालाब पर खड़ी हो गई। छोटी बहन उसे खुद लेने के लिए आई और पिछले दरवाजे से घर में ले गई। नहलाने के बाद बताया कि उसकी विपत्ति का कारण यह है कि उसने बाबा की कथा सुनने से मना कर दिया था। फिर उसने दीदी को पूरी कथा सुनाई। रानी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और रविवार व्रत करने तक बहन के पास ही रही। और दोनों बहनें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सूरज भगवान की आराधना करती।
रानी का अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके दिन फिर गए। से समाचार मिला कि बरसों की युद्ध के बाद उसके पति विजयी होकर अकुट धन लेकर साथ लौट रहे हैं। राजधानी लौटते हुए राजा अपनी साली और बहू से मिलने के लिए वहां रुका। जब उसने सुना कि उसकी रानी भी यही है तो उसे लेने के लिए उसने पालकी और कुछ दासियां भेजी। नन्हे भांजे चिल्लाते हुए रानी के पास आए और कहने लगे, मौसी मौसी, तुम्हें लेने के लिए छत्र वाली पालकी आई है, साथ में हाथी घोड़े और सैनिक भी है। सब देखने के लिए बाहर भागे। बरसों के विरह और व्यथा के उपरांत राजा और रानी ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। बहनों ने एक दूसरे को मूल्यवान उपहार और रेशमी वस्त्र दिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। पहले पड़ाव पर जब खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए थाल परोसे। तभी उसे बहन से सुनी हुई कथा याद आई। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे पास के गांव में जाए और किसी निर्धन को लाए जो भूखा हो। गांव में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, पर वापस आते समय उन्हें एक भूखा लकड़हारा मिल गया। वे उन्हीं को रानी के पास ले आए। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 लकड़हारे को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर रानी ने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। लकड़हारे का रोम रोम कान बन गया। कथा सुनते ही उसके गड्डर की सारी लकड़ियां सोने की हो गई। उसने शपथ लिखी, वह पूर्ण विधि विधान से सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। अगले दिन राजा रानी ने दल बल के साथ फिर पड़ाव डाला। खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए खाना परोसकर सेवकों को किसी निर्धन और भूखे को लाने का आदेश दिया। आज वे एक किसान को लाए जिसकी फसल मुरझा गई थी और कुआ सूख गया था। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 किसान को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होने से पहले ही उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और सूखे कुएं में पानी भर आया। वापस जाते समय उल्लसित किसान ने शपथ लिखी, वह संपूर्ण विधि विधान के साथ सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा जैसा कि वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। तीसरे पड़ाव पर रानी ने एक बुढ़िया को सूरज भगवान की कथा सुनाई। बुढ़िया का बेटा जंगल में खो गया था, दूसरा तालाब में डूब गया था और तीसरा सांप काटने पर मर गया था। रानी की कथा सुनते ही बुढ़िया के 3 बेटे एक एक करके पड़ाव पर आ गए। बुढ़िया खुशी के आंसू बहाते हुए वहां से गई। उसने प्रण किया कि वह सूरज भगवान की उसी विधि से आराधना करेगी जो वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। चौथे पड़ाव पर रानी के चाकर एक हाथ पाव विहीन आदमी को लाए। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उसे मुश्किल से ही कुछ दिखता था, यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। लोग उसे लोथ कहते थे। चाकरों ने उसे जब देखा तब वह मुंह के बल पड़ा था। वे उसे उठाकर पड़ाव पर ले आए। रानी ने उसे नहलवाया और नए कपड़े पहनने को दिए। फिर उसने 6 मोती निकाले, 3 लोथ के पेट पर रखे और 3 अपने हाथ पर रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। अपाहिज आदमी ने पूरा श्रद्धा से कथा को सुना। कथा सुनते ही उसके हाथ पैर निकल आए और इसके आंखों की ज्योत भी लौट आई। वो भी जाते समय अति प्रसन्न होकर गया। उसने शपथ लिया कि वह सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करेगा जैसे कि वन देवियों ने ब्राह्मण को बताया था। अगले दिन राजा और रानी अपनी राजधानी पहुंच गए। वे महल में भोजन करने के लिए बैठे तो सूरज भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ भोजन करने की मनसा दर्शाई। राजन ने महल के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अनेकानेक उत्कृष्ट व्यंजन बनाने का आदेश दिया। प्रत्येक पकवान को 6 अलग अलग खुशबुओं के साथ परोसा गया।
सूर्य नारायण और राजा खाने के लिए बैठे। सूर्य नारायण को पहले कौर में ही एक लंबा बाल दिखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाए, यह किस अधम स्त्री का बाल है? रानी भय से पीली पड़ गई। उसे याद आया कि अपनी विपत्ति के 12 वर्षों में वह उल्टे के नीचे बैठकर कंघी किया करती थी। संभवतः वह उसी का बाल है। वह सूरज भगवान के पैरों में गिर पड़ी, पर सूरज भगवान ने उसे माफ नहीं किया। अंततः रानी ने मोटी मोटी कंबल ओढ़ी, उल्टी में से एक एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी और बाल को शहर के बाहर ले जाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंका। तब कहीं सूर्य नारायण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण, राजा, रानी, उनके बच्चे, मंत्री की पत्नी, लकड़हारा, किसान, बुढ़िया और वह आदमी जिसे लोथ कहा जाता था, सभी को सूर्य नारायण की अनुकंपा से लंबी आयु मिली। जब तक वो जिए, सुख से जिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण की जय। इसी विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थी। सेमरू पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वत राज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथ गंगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संताप उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने कहा गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी केशिनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्य परायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्ठ नेमी की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी।
दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है इसका निर्णय वे स्वयं वापस में मिलकर कर ले। कोसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्र की। उचित समय पर रानी कोसनी ने अश्मंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टुंबा निकल जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र अश्मंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अश्मंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव मेरी रुचि आपने पूर्वज सागर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, आता कृपा करके इस वृतांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निसरंग कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृतियों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा।
जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले, उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया, जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पासी यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके आंसू मां ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझसे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्घंट व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने आंसू मान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करके इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्र के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप की व्यवसाय हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा वतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभिभूत पूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे माथे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे एक वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया।
अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर बीबस होकर गंगा जी को सुर लोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुर लोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव से छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की वेग गति धाराओं को अपने जटाजुट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी सात धाराओं में बट गई। गंगा जी की तीन धाराएं दाहिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सूचछू, सीता और सिंधु नाम की तीन धाराएं पश्चिम की ओर बही और सातवीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भाव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने बेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त मुनि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के तीन नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। सभी प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो। 18वां अध्याय। रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए, सिंहनाद करते हुए आयुधों के दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्य को पराजित होते देखकर जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट कर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खर गुरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धमसर भी मारा गया और शिवगण चीशी ने परचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। ऋषि को तो शिव जी का वैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुभ आदि दैत्य को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा, साथ ही
उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नित्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जर भी हो गया। गौरी ने उसे दानव को जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इसमें अवगत है? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिर उधारे कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। यहीं पर कार्तिक मास कथा अध्याय 18 समाप्त हुआ। आप सुनेंगे 19वां अध्याय।